Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ऐसा माना जाता है कि भगवान हर इंसान के लिए एक जोड़ीदार बनाकर ही भेजता है ऊपर से। हमें तो बस उस खास इंसान को पहचानना होता है, सिर्फ इशारा समझने भर की देर होती है। यूं तो कई लोग पहली बार में ही उस खास इंसान को पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार लोगों से गलतियां भी हो जाती है, और ऐसी ही गलती हुई करण टैकर और क्रिस्टल डिसूजा से, जिन्होंने एक दूसरे को पसंद तो किया था, लेकिन शायद वो एक दूसरे के लिए करेक्ट चॉइस नहीं बन पाए। साल 2011 में स्टार प्लस पर आया उस समय का हिट शो एक हजारों में मेरी बहना है, जिसमें पहली बार करण टैकर और क्रिस्टल डिसूजा एक साथ नजर आए। शो में दोनों मेन लीड्स जीविका और वीरेन का किरदार निभा रहे थे। इसी शो में इनके साथ कुशल टंडन और निया शर्मा भी थे। इन चारों की केमिस्ट्री जितनी ऑन स्क्रीन अच्छी थी, उससे कहीं ज्यादा ऑफ स्क्रीन कमाल की थी। लेकिन अगर किसी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी रंग ला रही थी, तो वो थी क्रिस्टल डिसूजा और करण की। सिर पर मिले तो दोनों अजनबियों की तरह थे, लेकिन पलक झपकते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और वो इनके इंटरव्यूज में साफ साफ पता चलने लगा था। दोनों एक दूसरे की कंपनी में इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि हर वक्त इनके बीच हंसी मजाक चलता रहता था। सेट पर शूट के अलावा भी दोनों अपना काफी सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे। दो दिल मिल रहे थे मगर छुपके छुपके। इसी शो की शुरुआत के पहले क्रिस्टल का अपने 5 साल से बॉयफ्रेंड रह चुके अभिनव कपूर के साथ ब्रेकअप हुआ था। क्रिस्टल काफी कमजोर हालातों से गुजर रही थी और उन्हें एक ऐसे साथ की जरूरत थी जो उन्हें सहारा दे सके, और ऐसे समय पर ही क्रिस्टल को मिला करण का साथ। इसीलिए इनके बीच का ये इंस्टेंट कनेक्शन होना लाजमी था। इनकी नजदीकियां अब सभी को दिखने लगी थी। आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे थे। यहाँ तक कि सेट पर के लोग भी यही कह रहे थे कि दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बढ़कर है। पूरी दुनिया भले ही इनके प्यार के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन ये दोनों मानो एक दूसरे में इस कदर खो गए थे कि इन दोनों को ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई। दोनों ने बस अपने रिलेशनशिप के बारे में छुपी साध ली थी। साल 2013 में इनका ये शो ऑफ एयर हो गया, जिसके बाद सभी को लगा कि इनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट अब हालात ऐसे हो गए थे कि करण और क्रिस्टल एक साथ हर इवेंट पर पार्टीज में साथ स्पॉट किए जाने लगे थे। इनफैक्ट साल 2014 में करण ने सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में पार्टिसिपेट किया था, जिसके एक एपिसोड में क्रिस्टल उन्हें सपोर्ट करने भी आई थी। और नेशनल टेलीविजन पर शो के अलावा दोनों की केमिस्ट्री देखने मिली सभी को, जब क्रिस्टल ने बड़े ही प्यार से करण के लिए वोट अपील किया। इसके बाद दोनों को एयरपोर्ट पर गोवा से लौटते वक्त साथ स्पॉट किया गया था, और जब दोनों मीडिया से छुपते छुपते एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तब एक बात तो साफ हो गई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ सालों बाद तो मंजर ऐसा हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे को सरप्राइज करने के लिए एक दूसरे के सेट पर विजिट करने लगे थे। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ कि क्रिस्टल आ पहुंची नच बलिए 8 के सेट पर करण से मिलने, और मीडिया को जैसे ही पता चला इस बात का, वो आ गए वहाँ। लेकिन एक प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह करण ने क्रिस्टल को मीडिया से बचाए रखा, और इस इंसिडेंट का अंजाम ये हुआ कि मीडिया को इस सेट पर से बैन कर दिया गया। दोनों के बीच इस कदर मोहब्बत थी, इतना केयर था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी मंजिलें अलग अलग हो गई? करण और क्रिस्टल के बीच दरार किस बात से आई, ये तो किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन कब आई ये सभी को पता चल गया। अक्सर एक दूसरे के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हुए तस्वीरों पर कमेंट करने वाले करण और क्रिस्टल ने साल 2018 में एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पर से, जिसका कोई भी यही अनुमान लगा सकता है कि इनके बीच ऑल वाज नॉट वेल। करण और क्रिस्टल के ब्रेकअप की खबर से सबसे ज्यादा दुख हुआ इनके फैंस को, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आपस में लड़ाई शुरू कर दी। इंस्टाग्राम पर दो ग्रुप्स बन गए, एक जो क्रिस्टल को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे जो करण को। एक बार तो हद ही हो गई जब क्रिस्टल ने अपनी तस्वीर पोस्ट की और उस पर करण के फैंस ने क्रिस्टल को कैरेक्टरलेस बुलाया। लगता है इतना सब देखने के बाद करण ने फाइनली इस ब्रेकअप पर अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया और कहा, यस, क्रिस्टल एंड आई शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड आई एम वेरी पोसेसिव अबाउट हर। इवन द गर्ल्स हु वर नॉट माय गर्लफ्रेंड्स बट माय गुड फ्रेंड्स, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देम टू। आई बिलीव इन इमोशनल बॉन्ड्स।
Some of my ex-girlfriends are also in touch. Some are even married and have kids. But you will find me calling them up every few weeks and checking on if they are fine. ब्रेकअप के बाद भी करण और क्रिस्टल ने ये बात सामने नहीं आने दी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। करण और क्रिस्टल के जिंदगी में भी ये बहुत बड़ा बदलाव आया। जो दो लोग अपना पूरा पूरा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे, अब वो एक दूसरे के आस पास भी नहीं दिखते। वक्त कब कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता भी तो नहीं। आज क्रिस्टल और करण दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में खुश है। इनकी प्रेम कहानी अधूरी तो जरूर रह गई, लेकिन फैंस के दिलों में इनकी जोड़ी की एक खास जगह थी और हमेशा रहेगी।